नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 जून दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी तैयारी, 3 परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने के साथ सड़कों के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण की तैयारी। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की समस्या को देख शिक्षा विभाग शिक्षकों को देगा ट्रेनिंग। इन तरीकों से फोन की बैटरी नहीं होगी जल्दी खराब। नेहा शर्मा के एक्सरसाइज का ये वीडियो हो रहा वायरल। आज आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भिड़ेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SSC ने 8000 से भी अधिक पदों पर निकाली भर्ती, जल्द कार्यावेदन। SSC द्वारा मल्टी स्टाफ और हवलदार के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 8326 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 27 जून से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुछ पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 तो कुछ पदों के लिए 27 वर्ष तक निर्धारित की गई है। भर्ती करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के माध्यम से होगा। इस भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। BPSC TRE 3 परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। BPSC TRE 3 परीक्षा की तारीखों की घोषणा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कर दी गई है। ये परीक्षा 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक होगी। इसका टाइम टेबल भी BPSC द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा इससे पहले मार्च में आयोजित हुई थी, हालांकि पेपर लीक के कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अब जुलाई में फिर से इस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। BPSC की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 19, 20 और 21 जुलाई को परीक्षा का आयोजन एक पाली में होगा, वहीं 22 जुलाई को ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित देखने को मिलेगा। जिस दिन परीक्षा एक पाली में होगी उस दिन परीक्षा का समय 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगा, वहीं 22 जुलाई को 2 पालियों में जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन पहली पाली का आयोजन सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, तो वहीं दूसरी पाली का आयोजन दोपहर के 2:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक देखने को मिलेगा। ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने के साथ सड़कों के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण की है तैयारी। ग्रामीण कार्य विभाग बिहार की क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए व्यापक कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी है। फिलहाल करीब 8332 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों को एक साल के अंदर विभाग दुरुस्त करेगा। विभिन्न चरणों में किए जा रहे इस कार्य में 1668 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने का काम अभी जारी है। इसके तहत 1500 करोड़ की लागत से 403 पथों का निर्माण किया जा रहा है। गांवों की सड़कें मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत दुरुस्त की जा रही है। इस योजना के तहत सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही सड़कों के पुनर्निर्माण सुदृढ़ीकरण के साथ इनके चौड़ीकरण की योजना भी शामिल है। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की समस्या को देख शिक्षा विभाग शिक्षकों को देगा ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग द्वारा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। अब इसी पोर्टल पर शिक्षकों को अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी, लेकिन कई शिक्षक इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। शिक्षकों के इस रवैये को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी साफ कर दिया है कि जिन भी शिक्षकों की उपस्थिति इस पोर्टल पर दर्ज नहीं होगी उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। वेतन भुगतान की अनुशंसा केवल उन्हीं शिक्षकों की होगी जिन्होंने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस पोर्टल पर शिक्षकों को अपने उपस्थिति दर्ज करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से शिक्षकों को प्रखंड वार ट्रेनिंग देने की बात कही है। रिलायंस जियो के बाद अब एयरटेल रिचार्ज प्लान्स भी हुए महंगे। रिलायंस जियो के करोड़ों यूजर्स को अब बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल प्रीपेड और पोस्ट पेड प्लान की कीमतों में जियो 15% से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अपने 19 प्लान के टैरिफ में भी जियो बढ़ोतरी कर रहा है। इसमें 17 प्रीपेड प्लान और 2 पोस्ट पेड प्लान शामिल है। इसके अलावा डेटा के दाम भी कंपनी ने बढ़ोतरी कर दिए हैं। नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल ने भी 10 से लेकर 21% तक अपने कीमतों में बढ़ोतरी की है।
एयरटेल की भी ये नई दरें 3 जुलाई से लागू हो जाएंगी, जिसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स प्लान्स के लिए भारतीय एयरटेल ने 179 रुपए के प्लान को बढ़ाकर 199 रुपए कर दिया है, 455 वाले प्लान को 599 कर दिया गया है और 1799 वाले प्लान को 1999 कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने 35 जेल अधीक्षकों का किया ट्रांसफर। बीते कई दिनों से बिहार के जेलों में लगातार गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी। अब इन शिकायतों को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों के जेलों में कार्यरत 35 जेल अधीक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस आदेश के मुताबिक बेऊर अधीक्षक जितेंद्र कुमार और बक्सर केंद्रीय कारा अधीक्षक राजीव कुमार को प्रोन्नति देते हुए सहायक कारा महानिरीक्षक बनाया गया है, तो वहीं विधु कुमार बेऊर जेल के नए अधीक्षक बनाए गए हैं। इससे पहले विधु कुमार मोतिहारी केंद्रीय कारा के अधीक्षक के पद पर तैनात थे। मुंगेर के जमालपुर में देश का आखिरी रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट होगा बंद। मुंगेर के जमालपुर में देश का आखिरी 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ट्यूटोरियल आर्मी कैंप है, जो पूरे 64 सालों से अपनी सेवा दे रहा है। अब इस इंजीनियरिंग रेजिमेंट को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इस रेजिमेंट को सितंबर महीने तक खाली कर दिया जाएगा। रेलवे से इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने सहमति मांगी थी। आपको बता दें कि इससे पहले झांसी, कोटा, आगरा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में भी 6 रेलवे इंजीनियरिंग प्रादेशिक सेना रेजिमेंट थे, जो पहले ही बंद हो चुके हैं। अब जमालपुर में भी संचालित रेजिमेंट को बंद कर दिया गया है। पोषण वाटिका के लिए स्कूलों के परिसर की मिट्टी की होगी जांच। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में अंकुरण परियोजना के अंतर्गत पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 35,000 स्कूल परिसर की मिट्टी की जांच की जानी है। स्कूल परिसर की मिट्टी की जांच कृषि विभाग की तरफ से करवाई जाएगी। साथ ही हर स्कूल का मृदा स्वास्थ्य कार्ड होगा। यदि मिट्टी के पोषण तत्व की कमी होती है तो उसे ठीक किया जाएगा। विभाग के निदेशक को इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा पत्र लिखा गया है। पोषण वाटिका के निर्माण के बाद पोषण के मुताबिक जैविक खेती की जाएगी। मालूम हो कि प्रारंभिक और मध्य विद्यालय में पोषण वाटिका में तरह तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं और इन सब्जियों का इस्तेमाल मध्याह्न भोजन बनाने में किया जाता है। इन दवाओं को स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक सूची से बाहर करने का लिया फैसला। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की आवश्यक सूची बनाई थी, लेकिन अब इन सूची के संशोधन की तैयारी कर रही है। समय के साथ जो दवाएं अनुपयोगी हो चुकी हैं, उनके नाम आवश्यक दवा की सूची से हटाने के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि आवश्यक दवाओं की सूची में कई ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल अब बेहद कम हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है। ये बैठक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई थी। इन तरीकों से फोन की बैटरी नहीं होगी जल्दी खराब। कई बार हमारी ये शिकायत होती है कि हमारे स्मार्टफोन की बैटरी लंबे समय तक टिक नहीं पाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से ही आपके स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ छोटी हो जाती है। आज हम आपको इन्हीं गलतियों के बारे में बताएंगे ताकि आप ऐसी गलतियों को करने से बच सकें। कई बार हम अपने फ़ोन को किसी भी दूसरे चार्जर से चार्ज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचें। आप अपने फ़ोन के चार्जर से ही अपने फ़ोन को चार्ज करें। अपने मोबाइल को समय समय पर अपडेट करते रहें, इससे फ़ोन में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़ोन को रात भर चार्ज में लगाकर ना छोड़ें। ऐसे में फ़ोन फुल चार्ज होने के बाद भी ओवर चार्ज होता रहता है, जो बैटरी के लाइफ के लिए सही नहीं होता। साथ ही फ़ोन को हर 10-10 मिनट पर चार्ज करने से बचें। एक बार फ़ोन को अच्छे से चार्ज करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जैन सर्किट के बारे में। बिहार 12वें तीर्थकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थकर महावीर के जन्म स्थान के रूप में पवित्र स्थान है। सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 शब्द जैन धर्म के सिद्धांत, गौरव और पराकाष्ठा और जैन धर्म की आस्था का एक परिभाषित प्रतीक है। बिहार जैन धर्मावलंबियों का एक पावन स्थल है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म भी यहीं हुआ था। बिहार के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जल मंदिर, जमुई में स्थित जैन मंदिर लछुआर, जैन मंदिर नाथनगर भागलपुर, बासुकुंड, वैशाली जैन मंदिर, कुंडलपुर जैन मंदिर, कमलदह जैन मंदिर, पटना और भी कई जैन मंदिर ऐसे हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ जैन धर्म की आधारशिला समझने के लिए आकर्षित करते हैं। इन जैन मंदिरों की एक खासियत और भी है कि सभी मंदिर की अपनी अलग पहचान और महत्वता है।
आपके गांव के विकास कार्य के लिए कितना आया है बजट, ऐसे करें पता। आप यदि गांव में रहते हैं तो आपके ग्रामीण क्षेत्र का विकास कार्य स्थानीय प्रशासन जैसे सरपंच और मुखिया देखते हैं। वहीं यदि आप शहर में रहते हैं तो आपके शहरी क्षेत्र का विकास कार्य यहाँ के लोक प्रतिनिधि देखते हैं। आप में से कई बार कुछ लोग अपने जनप्रतिनिधि के पास गांव के विकास कार्य और अन्य चीज़ों की शिकायत लेकर भी गए होंगे, तो उन्हें ये कहकर टाल दिया जाता है कि बजट नहीं है। तो वाकई बजट है या नहीं, इसका पता आप भी लगा सकते हैं। आपके क्षेत्र का क्या बजट है, इसे जानने के लिए आपको ग्राम स्वराज की वेबसाइट https://egramswaraj.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आप अप्रूव्ड एक्शन प्लान रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर प्लान ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के साथ ही अपने राज्य, फिर जिला और तहसील, फिर अपने गाँव का चुनाव कर व्यू प्लान पर क्लिक करके अपने क्षेत्र के बजट को देख सकेंगे। नेहा शर्मा के एक्सरसाइज का ये वीडियो हो रहा वायरल। बिहार से अपना संबंध रखने वाली नेहा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेहा शर्मा एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में नेहा शर्मा इंटेंसिव क्रंच करती दिख रही हैं। इस दौरान उनके साथ उनके जिम इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं, जिनके गाइडिंग में नेहा जिम बॉल पर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि नेहा इन दिनों अपने लुक के साथ साथ अपने पोस्टर एनहांस करने पर भी काफी ध्यान दे रही हैं। बिहार राज्य सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में रियान ने रचा इतिहास। बिहार राज्य सीनियर स्टेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता लखीसराय के नगर भवन में देखने को मिला। ये प्रतियोगिता अखिल बिहार शतरंज संघ के तत्वाधान में हुआ था। इस प्रतियोगिता में पटना के रियान मोहम्मद ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। इन्होंने 9वें चक्र में 9 मैच जीत लिए। आपको बता दें कि रियान ने इस प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया है। दरअसल आज तक किसी भी खिलाड़ी ने पूरे मैच नहीं जीते थे। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 22 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता का आयोजन 24 जून से लेकर 28 जून तक देखने को मिला था। विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के मामले में इस दिन होगी सुनवाई। पटना हाईकोर्ट 5 जुलाई 2024 को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि रंजीत पंडित के इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है। वहीं इस याचिका पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जानकारी दी है कि ये राशि लगभग 72,000 करोड़ रुपए की है, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक दायर नहीं हुआ है। बिहार में आज इन जिलों में भारी बारिश की है संभावना। बिहार में कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग द्वारा लोगों को वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश के अधिकतर जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री और कुछ जगहों पर 38 से 40 डिग्री देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर 26 से 28 डिग्री और कुछ जगहों पर 28 से 29 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। आपकी तरफ मॉनसून की बारिश हो रही है या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जाने क्यों किसी इंसान या वस्तु को छूते ही लगते हैं करंट, और क्या है इससे बचने का तरीका। कई बार आपने किसी वस्तु या इंसान को छूते वक्त करंट का झटका महसूस किया होगा। ऐसे समय में हम हैरान हो जाते हैं कि बिना बिजली के हमें झटका कैसे लग सकता है, ये झटका क्यों लगता है और इससे बचने का क्या तरीका है। आज हम इससे बचने के बारे में, आप सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 एटम होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, वही न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। जब शरीर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में रहें तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है तो कुछ छूने पर हमें करंट जैसे झटके महसूस होते हैं। ये खासकर तब होता है जब हवा में ड्राइनेस हो। ऐसा होने पर आप अपने घर में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हाथ में की चेन, धातु के पैसे, की रिंग या मेटल जैसी धातु पकड़ के भी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। 10 दिन में 4 पुल गिरने के मामले पर तेजस्वी यादव का सत्ता पक्ष को तंज। बिहार में बीते 10 दिनों में 4 पुल गिरने की घटना सामने आई है।
पुल गिरने की इस घटना पर काफी राजनीति देखने को मिल रही है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के अंदर बिहार में करोड़ों की लागत से निर्मित निर्माणाधीन केवल 4 ही पुल गिरे हैं। आगे तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकार है तो सत्ता पक्ष और उनका अभिन्न अंग गोदी मीडिया से भ्रष्टाचार तो कदापि ही नहीं कह सकते हैं। हेमंत सोरेन की जमानत पर जदयू का बयान आया सामने। भूमि घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। जमानत मिलते ही हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जेल से रिहा कर दिए गए। अब इनकी जमानत को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। अब इन्हीं बयानबाजी के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से बयान सामने आया है। दरअसल जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि हेमंत सोरेन को जमानत मिली है, बरी नहीं किया गया है, ये न्यायपालिका का फैसला है। आगे उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोग अपने जल जीवन जंगल की लड़ाई लड़ते हैं और उनके नेता माल बटोरने में लगे रहते हैं। पूर्णिया की सड़क परियोजनाओं की मांग को लेकर नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पूरे जोश में है। बीते दिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नितिन गडकरी को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उनके निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सड़क परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की चर्चा थी। मुलाकात के दौरान पप्पू यादव ने सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इन मांगों को शीघ्र पूरा कराने का आग्रह किया है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के विकास को हम कृत संकल्पित हैं। ये मुलाकात सकारात्मक रही है, हम इसके लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। रुपौली उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों को मिले चुनाव चिन्ह। रुपौली में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव को लेकर 11 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। इस चुनाव में महागठबंधन की तरफ से राजद उम्मीदवार बीमा भारती को लालटेन तो वहीं जदयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल को तीर का सिंबल दिया गया है। इसके अलावा पूर्व विधायक शंकर सिंह को कैची का चुनाव चिन्ह मिला है। इन तीनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं इस चुनाव को दिलचस्प बनाने वाले राजद सुप्रीमो के हमनाम लालू प्रसाद यादव को बाल्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। आज आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भिड़ेगी इंडिया और साउथ अफ्रीका। इस बार लगातार मैच जीतने वाली दो टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला देखने को मिलेगा। इसमें एक तरफ भारतीय टीम है तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम है। जहां भारत ने अभी तक 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं तो वहीं साउथ अफ्रीका ने भी इस टूर्नामेंट में 8 मुकाबले अपने नाम किए हैं। बारिश की वजह से भारत का एक मैच रद्द हो गया था। अब भारत और अफ्रीका दोनों ही टीमें आईसीसी मेंस टी20 कप 2024 फाइनल का ग्रैंड फिनाले आज बारबाडोस के ब्रिज टाउन के कैंसिंगटन ओवल में खेलेगी। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1757 में क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में प्रवेश किया और मीर जाफर की बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब के तौर पर तख्त पोशी की थी। आज के ही दिन वर्ष 1888 में शास्त्रीय संगीत की पहली रिकॉर्डिंग की गई थी। आज के ही दिन वर्ष 1997 में विश्वनाथन आनंद ने जर्मनी में फ्रैंकफुर्ट चेस क्लासिक टूर्नामेंट जीता था। आज के दिन वर्ष 2004 में पूर्वी एशिया सम्मेलन में आसियान को प्रमुख ताकत बनाने पर सहमति हुई थी। आज के दिन वर्ष 2005 में भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ था। आज के दिन वर्ष 2007 में सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे किए थे। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के हैक होने की खबर के बारे में। मीडिया द्वारा नीट पेपर लीक मामले में एक न्यूज़ के जरिए बताया गया है कि एनटीए की वेबसाइट 18 जून तक हैक थी और डार्क वेब पर एनटीए का डेटा बेचा जा रहा था। यहां तक कि एडमिट कार्ड और बच्चों की जानकारी तक हैक करने का दावा किया गया है। हालांकि मीडिया के इस दावे को पीआईबी फैक्ट चेक ने फेक बताया है। इसलिए किसी भी खबर पर विश्वास करने और उसे शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें। शेयर बाजार में दिखी मुनाफा वसूली। शुक्रवार को शेयर बाजार में लगातार कई दिनों की रिकॉर्ड बढ़त के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सप्ताह के आखिरी दिन बीएसई सेंसेक्स 210.45 अंक गिरकर 79,032.73 अंक पर आ गया है। वहीं एनएसई निफ्टी 33.90 अंक घटकर 24,010.60 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स ने 79,424 के नए हाई बनाए हैं। वहीं निफ्टी 24,159 पर पहुंच गया है।
निफ्टी टॉप गेनर की बात करें तो इसमें डॉक्टर रेड्डी लैब्स, ONGC, NTPC और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स देखने को मिले। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, BR स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार में सिरसा का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन बी है दौरा का युद्ध, ऑप्शन सी है चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी है सूरजगढ़ा का युद्ध। इसका सही उत्तर है सूरजगढ़ा का युद्ध। सूर वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए शेर शाह, ऑप्शन बी है हसन खान, ऑप्शन सी है मोहम्मद नुहानी, ऑप्शन डी है दरिया खान। इसका सही उत्तर है शेर शाह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 23 जून, ऑप्शन बी है 25 जून, ऑप्शन सी है 24 जून, ऑप्शन डी है 26 जून। इसका सही उत्तर है 25 जून। हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका सही उत्तर है गांधीनगर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है केरल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है भविष्य कुमार, रिंकी कुमारी, राजा कुमार, संजय कुमार शर्मा, मोतीलाल कुमार, कृष्णा प्रसाद, मोहम्मद असकर कमाल, विकास दास, राजीव कुमार, शिव शक्ति, रवि कुमार गुप्ता, बिरजू कुमार, अति खान, रवि कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, रंजीत मिश्रा, श्रवण कुमार, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते अंत के सवाल के रात का सवाल है, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आज भारत और साउथ अफ्रीका दोनों में से किस टीम के जीतने की संभावना अधिक है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।